हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हाजिर है एक और मिर्च की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो किस प्रकार आप फर्टिगेशन शेड्यूल चला सकते हैं, कैसी आप मिर्च की फसल से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से मल्चिंग ड्रिप में कैसे खेती की जाती है काफ़ी ज़्यादा वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। किसान भाई डिमांड कर रहे थे कि हम साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, मल्चिंग नहीं लगाई है, ड्रिप नहीं लगाई, तो कौन सी खादों को दें ताकि हमको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो मिर्च की खेती के लिए आप जो गर्मियों के लिए टाइमिंग है दिसंबर से फरवरी और बरसात के लिए जुलाई से सितंबर के मध्य दोस्तों आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ये मान लीजिए एक महीना 25 दिन से लेकर 30 दिन के आसपास का समय तो आपको लग ही जाएगा। इस हिसाब से आपको खेती की प्लानिंग करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। भारत भर में सैकड़ों ऐसी वेराइटी हैं जो कि उत्पादन किसी का कम है, किसी में वायरस आता है, किसी की मिर्ची ज़्यादा टेढ़ीपन होती है पर तीखापन कम देखने के लिए मिलता है। तो यह जो उपाय है, यह जो समस्या है काफ़ी किसानों के साथ बनी हुई है। तो आप कौन सी वैरायटी का चुनाव सिलेक्शन कर सकते हैं यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, तो VNR की 145F1 के नाम से आती है, गोल्डन सीड्स की AK-47 बंदूक की गोली की तरह यह जो तेज होती है, काफ़ी ज़्यादा तीखापन होता है, तो AK-47 को भी हमारे किसान भाई वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके फल की जो चमक होती है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती है, काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है। इसके अलावा नंबर 3 सुनिधि आती है, VNR की सुनिधि F1 काफ़ी ज़्यादा किसानों की पसंदीदा वैरायटी भी है और इस किस्म को आप लगा सकते हैं। नंबर 4 महिको की तेजापुर के नाम से आती है और नंबर 5 राशि हाईवेज की 078 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स। आप एक एकड़ पर खेती कर रहे हैं और आप एक वेट पर सिंगल लान पर यदि आप पौधरोपण कर रहे हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए 80 ग्राम से लेकर 90 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। एक एकड़ पर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं और पौधों के ऊपर बात करें तो एक एकड़ में ये मान लीजिए लगभग 8,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है एक एकड़ पर। नर्सरी तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो मिर्च की नर्सरी आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो क्यारी विधि से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। सेकेंडरी प्लास्टिक प्रोट्रे पर भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब मिर्च की कैसे नर्सरी तैयार की जाती है, तो चैनल पर पहले से वीडियो उपलब्ध है कि कौन सी नर्सरी पर फंगीसाइड स्प्रे करें, कौन सी कीटनाशक स्प्रे करें, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। बाकी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नीम ऑयल है, मीडा है, UPL की साफ जैसे फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करके अपनी फसल को, अपनी नर्सरी को प्रोटेक्शन कर सकते हैं और 25 दिन पर स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हैं तो जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता, इसके लिए ह्यूमिक एसिड का दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप स्प्रे कर रहे हो 15 से 18 दिन के आसपास की नर्सरी होती है, ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए। खेत तैयारी के ऊपर बात करें तो नॉर्मल तरीके से आपको खेत की तैयारी करना है। 1 से 2 बार कल्टीवेटर अदक फिर तोताल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराना है और पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा देना है। खेत की तैयारी में हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा दीजिए। इसके अलावा आप क्यारी विधि से खेती करें। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो सिंगल लान पर आपको पौधरोपण करना है और क्यारी विधि से जहां पर आप आसानी से सिंचाई कर सकें। मिर्च की फसल पर स्प्रिंकलर से सिंचाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्प्रिंकलर से मिर्च की फसल पर यदि आप सिंचाई करेंगे तो पैदावार घटने वाली, फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आने वाली है। तो आप जो सिंचाई कर रहे हैं वो फ्लैट एरिगेशन से क्यारी नाली विधि बनाकर आपको खेती करनी
चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखनी है और लान से लान की दूरी आपको 3.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफी अच्छा है और जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं एक एक दो दो पौधे की आपको पौधरोपण करना है और पौधरोपण करते समय जो आपको खाद इस्तेमाल करना है 2 ट्रॉली गोबर खाद और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई के समय इन खादों का आप प्रयोग करते हैं दोस्तों काफी अच्छी पौधा बढ़वा लेने वाला है, खासकर वनस्पतिक अवस्था पर जो बढ़वार होती है उसको आप काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो बेसल डोज के रूप में गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, मुर्गी खाद है, SSP, इन खादों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। अब SSP खाद ही क्यों, क्योंकि इस पर सल्फर की मात्रा होती है, कैल्शियम की भी मात्रा होती है और पोटास की भी दोस्तों मात्रा होती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। अब मिर्च की फसल पर कब कौन से स्प्रे शेड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार निकाल पाए। मिर्च की फसल पर वायरस काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या है, यानी पत्ते मुड़ने लगते हैं, कीटनाशक स्प्रे करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसकी एकदम सटीक जो जानकारी है, एकदम स्पेशल वीडियो हमने पहले से कुछ दिन पहले अपलोड की है कि मिर्च की फसल पर कब कौन से स्प्रे करना चाहिए, वायरस से कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है और सस्ते हल्के रेंज के जो टेक्निकल फार्मूलेशन वाली कीटनाशक होती है उसकी जानकारी उपलब्ध है वीडियो पर। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप साधारण तरीके से मिर्च की खेती कर रहे हैं, चिली फार्मिंग कर रहे हैं, तो इन खादों को जड़ों से 6 से 7 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई आप कर सकते हैं। पहले निराई गुड़ाई करनी है, उसके बाद प्रॉपर आपको जड़ों के पास खाद देकर सिंचाई करनी चाहिए। जानकारी प्रति एकड़ की दर से जो डोज बतलाएंगे वो पर एकड़ की दर से शेयर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट खाद है ये मान लीजिए 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है दोस्तों, ट्रांसप्लांट TPs हैं, तो यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रियन उर्वरक खाद आपको 5 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड किसी अच्छी कंपनी का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। सेकंड खाद 50 से 60 दिन की फसल होती है, थर्ड खाद 80 से 85 दिन और फोर्थ खाद 100 से 115 दिन के आसपास की फसल होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट को प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए सॉइल एप्लीकेशन से। पांचवी खाद 130 से 150 दिन के मध्य की फसल होती है, तो NPK 0050 है और आप जो वीडियो पर देख रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलो इन दोनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल यदि आप चलाते हैं तो ये मान लीजिए मिर्च की फसल पर भी काफ़ी अच्छा आप उत्पादन निकाल पाएंगे। ज़्यादा भी यूरिया इस्तेमाल करने से आपको बतला दें कि काफ़ी ज़्यादा थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ने वाला है। तो मिर्च की फसल पर खासकर जो स्प्रे शेड्यूल की जो स्ट्रेटजी है उसको काफ़ी ज़्यादा आपको अपनाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा केयर मांगती है मिर्च की फसल, तो इसके लिए आपको एक दो काम तो करना ही करना चाहिए। पहला तो आपको रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। सेकेंडरी बात दोस्तों, मिर्च की आप खेती कर रहे हैं तो स्टिकी ट्रैप जरूर लगाइए, पीला और नीला। इसके अलावा गेंदे की फूल की खेत के बीच बीच में चारों साइड एक लाइन आप जरूर लगा दीजिए, इससे कीटों का प्रकोप सबसे पहले गेंदे की फसल पर होगा, आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करेगी। तो गेंदे की फसल को फूल को लगाने से काफ़ी ज़्यादा मिर्च की फसल पर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। मिर्च की प्रॉपर आपको बंधाई करनी चाहिए, हवा चलने पर, वजन आने पर पौधे टूटे ना, गिरे ना, झुके ना, तो यह बातों को फॉलो तो आपको करना ही चाहिए। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 55 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, मिर्च की खेती यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो 5 से 7 महीने के आसपास मान लीजिए काफ़ी अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्पादन प्रोडक्शन। यदि आपने पिछली वीडियो को वॉच किया होगा हमारी, तो हमने बतलाया है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उसका उत्पादन अलग है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा है साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो उत्पादन है एक एकड़ में 250 से 300 क्विंटल ही एक एकड़ में आप पैदावार निकालने वाले हैं। अब ज़्यादा उत्पादन निकालने वाले हैं तो आप स्प्रे के साथ साथ फर्टिगेशन शेड्यूल जो
ड्रिप में आपको खेती करनी पड़ेगी। तो ये मान लीजिए साधारण तरीके से खेती कर रहा है, 300 क्विंटल एक एकड़ में उत्पादन होने वाला है। लागत के ऊपर बात करते हैं, साधारण तरीके से खेती दोस्तों आप करते हैं तो 50,000 से लेकर अधिकतम 60,000 रुपये एक एकड़ में आपको लागत लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर बात करते हैं तो लागत को काट कर, ये मान लीजिए साधारण तरीके से हम बात कर रहे हैं, लागत को काट कर आप 3 लाख रुपये एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो मिर्च की फसल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है वायरस, वायरस की प्रॉपर हल्की रेंज के इंसेक्टिसाइड आप वायरस को फैलाता कौन है, खासकर थ्रेप्स, मार्ट्स, वाइट फ्लाई, यह है जो सकिंग पेस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरस को फैलाते हैं। तो इसके स्टार्टिंग के दिनों पर हल्के रेंज के आपको टेक्निकल्स वाले कीटनाशक स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलने वाला है, वायरस नहीं फैलेगा और काफ़ी अच्छी आप प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है यदि दोस्तों आप इन बातों को फॉलो करते हैं। मिर्च की फसल पर पीलापन की समस्या आती है, फलों में टेढ़ापन की समस्या आती है तो इसके लिए बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।